Before you watch this video, please take a moment to subscribe to my channel and do not forget to press the bell icon to get regular updates. तो दोस्तों, हमारी जर्नी शुरू हो चुकी है डेहरी ऑन सोन से, और जैसा कि आपको वीडियो का टाइटल देख के पता लग ही गया होगा कि आज हम कहाँ जा रहे हैं। तो दोस्तों, हम जा रहे हैं रोहतास फोर्ट, और दूरी की बात करें तो डेहरी और रोहतास फोर्ट के बीच में जो दूरी है वो लगभग 75 किलोमीटर्स की है, और इसे हम पूरा करने वाले हैं आज लगभग 3 घंटे में। तो दोस्तों, अब हम पहुँच चुके हैं इंद्रपुरी। अगर आप यहाँ से सीधा चले जाएंगे इस नदी के किनारे किनारे, तो आप पहुँच जाएंगे इंद्रपुरी बराज। और इंद्रपुरी बराज के बारे में आपको बता दूँ कि इंद्रपुरी बराज जो है वो वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट बराज है। तो दोस्तों, इंद्रपुरी के बाद अब हम पहुँच चुके हैं तिलौथू। और डेहरी के बीच में दूरी की बात करें तो 15 किलोमीटर है लगभग दूरी, और ये दूरी हमने पूरा किया है दोस्तों लगभग 15 से 20 मिनट के अंदर। तो ये आप व्यू देख सकते हैं, बिहार के स्मॉल टाउन के मेन मार्केट का व्यू है ये। तिलौथू एक स्मॉल टाउन है, और ये आप व्यू देख सकते हैं कि दोनों तरफ दुकानें हैं, और हम ये मेन बाज़ार से सीधा निकल रहे हैं। दोस्तों, तिलौथू बाज़ार क्रॉस करने के बाद अब हम पहुँच चुके हैं टोल प्लाजा पर, जो कि बंद पड़ा है। और दोस्तों, आप इन सड़कों की हालत देखिए कि ये सड़कें अब कितनी अच्छी हैं। बिहार ऐसी बदनाम है कि बिहार में सड़कें नहीं हैं, बिजली नहीं है, लेकिन आपके सामने है ये सड़क, देखिए। दोस्तों, अब हम पहाड़ के बहुत ही करीब हैं, और अगर हम हाइट की बात करें रोहतास फोर्ट की, तो जो समुद्र तल से जो हाइट है रोहतास फोर्ट की, रोहतास किला की, वो है 1500 मीटर। यानी कि रोहतास फोर्ट जो है वो समुद्र तल से 1500 मीटर की ऊँचाई पर है। तो दोस्तों, अब हम बंजारी क्रॉस कर रहे हैं, और बंजारी क्रॉस करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं रोहतास में। और यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमें और 35 किलोमीटर ट्रैवल करना है रोहतास फोर्ट के लिए। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं आगे। और एक्चुअली ना मैं दोस्तों यहाँ मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था इस पॉइंट पे। दोस्तों, दो रास्ते हैं यहाँ पे, एक जो है वहाँ पे बाइक जो है जा सकती है, लेकिन काफ़ी टाइम लग जाएगा क्योंकि पहाड़ पर चढ़ने में, और 3-4 घंटे का समय लगता है। और एक दूसरा रास्ता है ये बता रहे हैं, जो कि पैदल का रास्ता है, लेकिन वो थोड़ा पहाड़ पे चढ़ाई करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत पड़ेगी। तो अभी इनसे जानते हैं कि कौन सा रास्ता बेटर है। आप अगर यहाँ आते हैं रोहतास किला, अगर आते हैं तो आपके लिए कौन सा रास्ता ज़्यादा बेहतर है, आपको कौन से रास्ते से जाना चाहिए, तो बताइए। देखिए, ये जो सामने का रास्ता है पहाड़ी का, घाटी का जो रास्ता है, इस रास्ता से जाने से पहाड़ी का समतल जगह पर जब जाइएगा तो वहाँ से 1 किलोमीटर पड़ेगा। अच्छा, और चौरासन सीढ़ी भी 1 किलोमीटर पड़ेगा, किला भी 1 किलोमीटर पड़ेगा। और ये जो अधौड़ा वाला रोड है, आगे जाने के बाद रेहल के पीछे एक रास्ता गया है वो किला जाने के लिए, वो करीब करीब 3 घंटा मोटरसाइकिल का मार्च करना पड़ेगा, और उधर से 3 घंटा, 6 घंटा का टाइम लगेगा। और इधर से भी 6 घंटा में आराम से पैदल 2 घंटा, 1 घंटा चढ़ने में और 1 घंटा उतरने में 2 घंटा, और 3 घंटा के अंदर में आप घूम के आ जाइएगा। इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा मोटरसाइकिल से, और रोड जो है पहाड़ी का है, कंक्रीट वाला नहीं है। तो दोस्तों, अंकल जी ने हमें पूरा रास्ता अच्छे से समझा दिया है, तो थैंक्स टू अंकल, धन्यवाद बहुत बहुत सारा आपका। आपकी वजह से हम लोग, जैसे आप यहाँ पे और टूरिस्ट आए, आप उनको भी रास्ता बताइए, उनको भी हेल्प करिए, ताकि ये जो हमारा रोहतास डिस्ट्रिक्ट का जो हमारा टूरिज़म है वो आगे बढ़ सके, लोग बाहर से आए और ज्यादा से ज्यादा हमारे जिला का विकास हो। तो दोस्तों, इन ग्रामीण अंकल से बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और इन्होंने मुझे पूरा रास्ता बाखूबी समझा दिया है। शायद गूगल मैप भी मुझे इतने अच्छे से रास्ता नहीं समझा पाता जितने अच्छे से मुझे इन अंकल जी ने रास्ता समझाया है।
तो दोस्तों आप इस खूबसूरत रास्ते का मज़ा लीजिए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। तो आप इस सफ़र का मज़ा लीजिए और अब हम मिलेंगे रोहतासगढ़ फोर्ट पे। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं, ये जो बीच में पॉइंट है जिसका नाम है रेहल, ये रेहल गांव है, ये सीधा इधर रेहल गांव है और ये लेफ्ट में जा रहा है रोहतास किला का रास्ता। तो आप इस रास्ते पे जाना है आपको सीधा, यहां से 12 किलोमीटर बता रहे हैं अंकल जी, ये जिनकी दुकान है तो ये बता रहे हैं यहां से 12 किलोमीटर है। तो अभी हमें और 12 किलोमीटर यहां से ट्रैवल करना है रोहतास किला के लिए। हेलो वंस अगेन फ्रेंड्स, तो अभी हम पहुंच चुके हैं रोहतास किला पे। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये मेन एंट्रेंस है और यहाँ पे बिना मास्क के एंट्री नहीं है अभी कोविड-19 के समय में। तो चलिए अब हम चलते हैं किले के अंदर और देखते हैं कि किला कैसा है। तो अभी सबसे पहले हमें यहाँ पे हमें भी एंट्री करानी है, तो आप जब भी आएँ यहाँ पर एंट्री कराएँ और तभी अंदर जाएँ। और एक चीज़ दोस्तों मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि इन दीवारों पे बहुत कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए इधर भी दीवार पे, इधर भी दीवार पे। तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि जब भी आप यहाँ आए ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस पे आए तो ऐसे दीवार को गंदा ना करें। इससे क्या होता है कि ये हमारे लिए है, ये हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, दिस इज़ अ पब्लिक प्रॉपर्टी। तो आप जब भी आए तो ऐसे गंदा ना करें इन चीज़ों को। तो अभी हम यहाँ पे अपनी एंट्री करा रहे हैं नीचे रजिस्टर में। यहाँ पे हमें अपना नाम बताना है, हम कहाँ से आए हैं वो बताना है और अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना है।
है।